आज हम ब्रेड से चटपटा क्रिस्पी स्नैक्स बनाएंगे, भी बिना तले हुए। तो बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी है, बहुत ही अच्छी स्नैक्स है। आप शाम में नाश्ते में या लंच में बच्चे को दे सकते हैं, या कोई पार्टी वगैरह है छोटी मोटी तो उसमें भी आप ये अरेंज कर सकते हैं। इधर मैंने उबले हुए आलू मैंने 2 से 3 लिए हैं, प्याज, ब्राउन ब्रेड लिया है, मिर्च लिए कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, दही फेटी हुई ली है और मिक्सर, आप उसकी जगह सेव भी ले सकते हैं। इधर ब्रेड को हमें इस तरह से कटोरी की सहायता से सर्कल कट कर लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से हम इस तरह से जितनी भी ब्रेड लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसके जगह आप व्हाइट वाली भी ब्रेड यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती हो, ब्राउन हो या व्हाइट हो। उसके बाद हम एक पैन लेंगे, उसे गर्म कर लेंगे, उसमें ऑयल या बटर जो भी आपको पसंद हो उसमें आप हल्का सा लगाइएगा, ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। और दोनों तरफ से हमें इसे क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। ये ब्रेड की रेसिपी काफ़ी झटपट बनकर तैयार हो जाती है, काफ़ी यमी एंड डिलीशियस भी बनती है और हेल्दी भी है। तो बच्चे को आप लंच में भी दे सकते हैं, या घर में कोई आ जाए तो फटाफट आप बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छी रहती है, क्रिस्पी मतलब हेल्दी ब्रेड की ये चाट है। इसे मैं 2 तरह से बना रही हूँ, एक में मिक्सचर और सॉस वगैरह यूज करूँगी, एक में मैं दही यूज करूँगी। तो 2 तरह से आप इसे बना सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत ही यमी एंड डिलीशियस बनती है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इस तरह से ब्रेड मैंने सेक ली, इस तरह से मैंने 2 प्लेट में अरेंज कर लिया अलग अलग। अब हमने जो आलू उबाल के रखे थे मैंने उसे कट कर लिया था इस तरह से, और सब में हम आलू को इस तरह से हम डाल देंगे। आप आलू की क्वांटिटी या किसी भी चीज की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, कुछ ना पसंद हो तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर इसमें मैं प्याज डालूंगी, अगर आपको इसमें कोई चीज ना पसंद हो तो आप उसे हटा भी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी चाट बनती है, बिना फ्राई किए हम इसे बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। अब मैं इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल लूँगी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा मिर्च डालूंगी। ये मैं बच्चे लोग के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें ग्रीन चिली यूज नहीं किया, आप इसमें ग्रीन चिली यूज कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे, उसके बाद हमें इसमें टमाटो सॉस डालना है। आप अपने अकॉर्डिंग ये इसमें सॉस या चटनी कुछ भी ऐड भी कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ें पसंद हो तो। अब उसके बाद मैं इसमें मिक्सचर डाल रही हूँ, आप अगर चाहे तो सेव भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ें आप डाल सकते हैं। इस तरह से बनाकर खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है शाम के चाय के साथ नाश्ते में खाने के लिए। अब बच्चे को खिलाने के लिए मैंने थोड़ा धनिया पत्ते से गार्निशिंग कर ली। ये देखिए हमारा ये हो गया। अब सेम प्रोसेस हम दूसरे के साथ भी करेंगे। इस तरह से मैंने ले लिया, ब्रेड को अरेंज कर लिया है। अब उसके बाद हमें इसमें आलू में डालूंगी। इस तरह से हम सेम प्रोसेस करना है, आलू डालकर। अब अपने अकॉर्डिंग आप इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, चाहे तो पी उबाल कर इसमें डाल सकते हैं, उससे भी आप और ये हेल्दी हो जाएगा। फिर मैंने अनियन डाल दिए हैं, उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा चिली डालूंगी। ये मैं अपने लिए, हम लोगों के लिए बना रही हूँ, इसे मैंने चिली यूज किया है, वो बच्चों के लिए था तो उसमें मैंने चिली स्किप किया था, आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, चाट मसाला डालूंगी और थोड़ा सा लाल मिर्च डालूंगी। ये सब चीज़ें डालने से चाट का बहुत ही अच्छा फ्लेवर बढ़ जाता है। देखिए अब मैंने दही फेटी हुई रखी है, वो मैं यूज कर रही हूँ। अगर आपको दही ना पसंद हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। ऐसे दही से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा दुगुना बढ़ जाता है, काफ़ी ये डिलीशियस लगता है और बहुत ही अच्छा ये हेल्दी ऑप्शन है। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरह मेरे चैनल को प्यार दीजिए और इसे सपोर्ट कीजिए। देखिए मैंने चिली सॉस और टमाटो सॉस डाला है। इस तरह से देखिए अब हमारी ये चाट रेडी हो चुकी है। एंड थैंक यू सो मच।